दोस्तों एक छोटी सी पर इंपॉर्टेंट बात है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा तो आप लोगों के माइंड में लेकर उसको क्लैरिटी भी आएगी, जो कि SLV फैमिली से रिलेटेड है। कल शाम जब वीडियो बनाई मैंने करंट अफेयर की, 8:30 बजे मैंने वीडियो अपलोड करी, तो ये वीडियो अपलोड करने के बाद में मेरे पास में जो बहुत सारे मेल आ रहे हैं वो सारे आ रहे हैं कि सर उन चैनल्स के नाम बताओ जो यहाँ पर इस तरह की चीजें कर रहे हैं, यानी कि जो लोगो वगैरह या फिर जो वीडियो का टाइटल हो गया या थंबनेल हो गया, ये सब चीजें कर रहे हैं, उनका नाम बताओ। तो हम उनको जाकर रिपोर्ट करेंगे। तो इस तरीके के बहुत सारे मेल आ चुके हैं सुबह से, अगर मैं जब से शाम से वीडियो अपलोड करूं तब से लेके अब तक बात अगर करूं तो मैं आप लोगों से, यार अगर मुझे ऐसा कुछ करना होता तो मैं आप लोगों को तभी ना वहां पर बता देता है सारी चीजें ओपन करके। ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को बेसिकली इसलिए ओपन करके नहीं बताई क्योंकि मैं नहीं चाहता किसी भी इंसान को यार कोई भी नुकसान पहुंचे, ठीक है, क्योंकि हर एक इंसान जो है वो अपनी मेहनत कर रहा है। और मैंने ये नहीं बोला था आप लोगों की पर्टिकुलर किसी चैनल को जाकर आप लोगों को रिपोर्ट करना है, मैंने बोला था कि YouTube पे अगर कहीं भी आप लोगों को दिखता है कुछ गलत हो रहा है जो सोसाइटी पर नेगेटिव इंपैक्ट डाल सकता है, सोसाइटी के लिए गलत है, आप लोगों को लगता है सोसाइटी में ये चीजें नहीं होनी चाहिए, तो उन चीजों को आप लोग रिपोर्ट कर सकते हैं अगर वो कहीं पर भी दिखे, चाहे वो इस स्टडी लवर वीर चैनल पर ही क्यों ना दिखे आप लोगों को। कभी अगर मैंने कुछ ऐसा किया और आप लोगों को लगे ये चीजें होनी नहीं चाहिए यूट्यूब पर, तो उस पर भी आप लोग उसको रिपोर्ट करो। तो मेरा मतलब ये था कि आप लोग एक जागरूक सिटीजन बनो, एक जागरूक देश के नागरिक बनो, और आप लोगों को पता होना चाहिए कि कहां पर आप लोगों को क्या डिसीजन लेने हैं। ये बिल्कुल भी नहीं था इसका कतई मतलब कि आप लोग जाकर किसी चैनल को रिपोर्ट करो, और मैक्सिमम मेरे पास में दुनिया भर के लोगों, दुनिया भर के मतलब चैनल के जो लिंक और वो सारे मेरे पास में आप लोग सेंड कर रहे हो। तो यार ये सारी चीजें जब से आप लोग मुझे सेंड कर रहे हो मुझे भी पता चले कि हाँ ऐसा कुछ चलता है, पर लेकिन ये सारी चीजों में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि पॉजिटिव साइड देखनी होती है हम लोगों को, और वो क्या है, वो है अपने काम पर फोकस करना। तो अपने काम पर फोकस करना है, वरना ये चीजों जो रिपोर्ट करने वाली है ये मेरे पास भी ऑप्शन है, मैं भी ये काम कर सकता हूँ, आप लोगों को नाम भी बता सकता हूँ, पर लेकिन इन सब चीजों का को कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। तो अपने पढ़ाई पर फोकस करो यार, हर एक इंसान मेहनत कर रहा है, मेहनत करके ही कोई ना कोई हर एक इंसान कुछ ना कुछ करता है, आप लोगों को पता है सुबह को उठता हूँ तो मेहनत लगती है वीडियो आप लोगों तक लेकर आने में, PPT बनाने में सबसे ज्यादा मेहनत लगती है जिनको बनाकर आप लोगों के सामने लेकर आता हूँ सुबह उठकर वो भी, तो ये सारी चीजें मेहनत की काम होती है, ठीक है। तो मेहनत अगर कोई इंसान कर रहा है तो एक तरीके से हर एक इंसान को, नहीं कहते कि आप लोगों ने सुना भी होगा कि ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दो, जो होगा ऊपर वाला अपने आप देख लेगा, ठीक है, आप लोग बस अपने काम पर फोकस करो। तो वही कहते हैं यार कि फल की चिंता मत करो, अपने काम पर फोकस करो। तो आप लोग भी किसी को जाकर ऐसे ही रैंडमली रिपोर्ट मत कीजिए, मैंने इसीलिए नाम नहीं बताया ताकि आप लोग वहां पर जाकर बिल्कुल रैंडम एक तरीके से ज्यादा चीजें उल्टी सीधी ना करें। तो बेसिक पर्पज मेरा यही था कि किसी को इस तरीके से रैंडमली जाकर आप लोगों को रिपोर्ट नहीं करना है, मेरा मकसद ये था कि आप लोग खुद जागरूक हो जाएं। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात जो कई सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर कंटेंट भी कॉपी किया जा रहा है, तो ये एक इसमें मैं आप लोगों को बता दूं यार, हिंदू न्यूज़पेपर है, अब हजारों यूट्यूब पर चैनल आप लोगों को मिलेंगे जो हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ाते हैं या फिर कोई करंट अफेयर की वीडियो बनाते हैं। अब मान लीजिए देश के अंदर कोई दुर्घटना घटी या देश के अंदर कोई अच्छा काम हुआ, तो अब वो एक घटना घटी या कोई अच्छा काम हुआ, अब वो देश के अंदर हुआ है ना, अपने देश के अंदर, अब वो अगर मैं पढ़ा रहा हूं या फिर कोई भी हजारों लोग पढ़ा रहे हैं उसमें कुछ चेंज कहां से लेकर आएंगे, ठीक है, कॉन्सेप्ट की उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए, वो पढ़ाने वाला उसको पढ़ाने का तरीका जानता हो, वरना डेटा तो वही रहने वाला है ना, बस पढ़ाने का तरीका अलग होता है हर एक इंसान का, वो एक यूनिक होता है, पर लेकिन डेटा तो यार वही रहेगा ना। अब वो कहीं से उठा लो, चाहे वो किसी भी आप लोग जाकर न्यूज़पेपर से उठा लो, मैगजीन से उठा लो, वेबसाइट से उठा लो, वो डेटा वही रहता है। और कोई भी देख लो इंडिया के अंदर अगर आप लोग बात करोगे, कोई भी वेबसाइट जो है वो सारी क्या करती है, सारे मैक्सिमम PIB से डेटा उठाते हैं, गवर्नमेंट के सोर्स होते हैं वहां से उठाते हैं या फिर न्यूज़पेपर से डेटा कॉपी करते हैं, कितनी बड़ी वेबसाइट का आप लोग नाम ले लो, सब कहीं ना कहीं से डेटा कॉपी करते हैं, और मैक्सिमम ये ही डेटा जो होता है वो सब जगह सर्कुलेट होता रहता है। तो डिफरेंस जो होता है वो पढ़ाने में होता है, ना कि डेटा में डिफरेंस आप लोगों को नजर आएगा ज्यादातर। तो मैंने ये बोला था यहाँ पर कि दिक्कत डेटा में कहीं नहीं है, वो सब अपना अपना पढ़ाते हैं, वो सब सही है, अगर कोई लोगो अपना कॉपी कर रहा है, ठीक है, कोई थंबनेल अपना कॉपी कर रहा है, ठीक है, और कोई यहाँ पर एक तरीके से पूरा टाइटल कॉपी कर रहा है, तो वो होता है एक तरीके से चीजों को कॉपी करना, और उसमें भी मेन तो होता है लोगो या फिर कोई थंबनेल कर रहा है। तो ये बात मैंने आप लोगों को बोली थी, तो आप लोग बोले सर नाम बताओ नाम बताओ, तो यार ये सब चीजें बेसिकली आप लोगों को जागरूक कराने के लिए थी, ऐसा नहीं कि आप लोग जाकर चीजों को रिपोर्ट करो। तो रिक्वेस्ट है आप लोगों से ये चीजें मत करना, क्योंकि जितने मेरे पास है मेल आए मैं तो हैरान हो गया, मैंने कहा यार आप लोग इतने ज्यादा एक्साइटेड हो जाओगे, इससे ज्यादा अगर आप लोग इतनी एनर्जी आप लोग किसी को रिपोर्ट करने में लगाओगे, इससे ज्यादा एनर्जी अगर आप लोग अपनी खुद के अगर चैनल SLV फैमिली को लाइक शेयर और खुद के चैनल को आप लोग ज्यादा से ज्यादा आप लोग बेसिकली कमेंट करें शेयर करें लाइक करें उसमें अगर बात करें तो वो एक पॉजिटिव साइड होगी, ठीक है। जैसा मैंने आप लोग को दिखाया भी था यूट्यूब के द्वारा जो मेल किया गया था, तो वो वाली चीजें अपनी पॉजिटिव चीजों पर फोकस करते हैं, हमेशा नेगेटिव एनर्जी ना दूसरे का नुकसान करें या ना करें अपना अंदर का नुकसान जरूर करके जाती है, और खुद को वो कहीं ना कहीं एक तरीके से
उन्हें एक तरीके से नेगेटिव एरिया में लेकर जाती है अपनी एनर्जी। हम लोग अगर नेगेटिव जगह यूज करेंगे तो हम प्रोडक्टिव चीजों पर कभी फोकस नहीं कर पाएंगे। तो सामने वाला जो कोई कर रहा है क्या कर रहा है उसको उसके ऊपर छोड़ दो, बस आप लोग अपनी चीजों पर फोकस करो कि अपनी चीजें अच्छे से लेकर चलनी है, ठीक है। तो ये एक बेसिकली मुझे मैसेज आप लोगों को देना था। तो रही बात वही सारी फिर से कि नाम वो सारी चीजें, ये मैं बिल्कुल नहीं बताने वाला हूं और किसी को बिल्कुल भी इसके बारे में किसी के सामने कुछ नहीं बोलना चाहिए मेरे हिसाब से। अपने काम पर फोकस करो वो जरूरी है, पढ़ाई पर फोकस करो वो जरूरी है, सिलेक्शन लो वो जरूरी है, SLB फैमिली के सिलेक्शन होने चाहिए। और मैं तो ये चाहता हूँ देश के हर एक डिपार्टमेंट में SLB फैमिली के मेंबर बैठे हों और वहां पर ये बोले कि हाँ यार हम लोग करप्शन नहीं होने देंगे और देश को आगे लेकर चलेंगे। तो वो वाली चीजें होती हैं यार, ठीक है। तो प्रोडक्टिव रखो यार, अपनी एनर्जी को सही जगह यूज करो, यही मुझे बोलना था। तो आगे मेल मत करो, क्योंकि प्रोडक्टिव मेल करो कि सिलेक्शन हो गया सर वो वाले मेल करो, तब आएगा मेल सुनने में मजा, ठीक है, उनको मेल को पढ़ने में मजा आएगा। तो वैसी चीजों पर फोकस करते हैं, ठीक है। तो यही बात मुझे बोलनी थी। तो किसी को भी रिपोर्ट वगैरह मत करो, वो सारी गलत चीजें होती हैं, अच्छी चीजों पर फोकस करो। चैनल को अगर अच्छे लगते हैं, चाहे कोई भी चैनल क्यों ना हो, आप लोगों को लगता है अच्छा पढ़ा रहा है तो उसकी वीडियो लाइक करो, ठीक है। कोई भी अगर कोई भी ऐसा लगता है कि कोई अच्छा कॉन्टेंट बना रहा है, पढ़ाई से रिलेटेड नहीं, कोई दूसरे भी चैनल कॉमेडी का अच्छा बना रहा है फिर कोई अच्छा कर रहा है, उसकी वीडियो ज्यादा से ज्यादा आप लोग लाइक करो, ठीक है। पर कोई ऐसा कर रहा है सोसाइटी में गलत काम कर रहा है तो यूट्यूब ने बटन दिया है रिपोर्ट करने का, तो उनको रिपोर्ट भी करो। तो ये मुझे बातें बोलनी थी, ठीक है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। और ध्यान रखो सेहत का, मौसम चेंज हो रहा है तो उसके हिसाब से अपना ध्यान भी रखो थोड़ा सा, ओके। चलिए फिर मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।